गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। माई सेल्फ दीपेंद्र कुमार शर्मा फ्रॉम डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल। आप सभी ठीक होंगे और अपनी स्टडी को भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी क्लास थर्ड की EBS का फर्स्ट चैप्टर मी एंड माई फैमिली, मेरे परिवार के बारे में हमने बात करते गए। और हमने उसके अंदर फैमिली के अंदर उनके टाइप्स, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली के बारे में डिस्कस किया, फिर फैमिली ट्री के बारे में, फिर अवर ड्यूटीज़ के बारे में भी देखा कि हमें परिवार के सामने कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती है। आज हम उससे आगे बढ़कर रिसेम्बलेंस इन द फैमिली, कि जो हमारे परिवार के अंदर गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे आते हैं। यू नो दैट यू लुक लाइक सम अदर फैमिली मेम्बर, यानी आपने अपने देखा होगा कि आप अपने परिवार के किसी ना किसी सदस्य के जैसे दिखते हो, ठीक है। दिस इज बिकॉज हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी जो आनुवांशिक, हेरिडेटरी मीन्स होता है आनुवांशिक कैरेक्टरिस्टिक में गुण, यानी जो आपके आनुवांशिक गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर चले जाते हैं। यानी आपके पापा के लक्षण आपके अंदर आएंगे, आपके लक्षण आपके बेटे के अंदर आएंगे, यानी हमारे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर हमारे जो लक्षण हैं वो पास आउट हो जाते हैं। सो इसलिए वी मे लुक लाइक अवर पैटर्नल रिलेटिव्स और इवन लाइक अवर मैटर्नल रिलेटिव्स, यानी हम या तो अपने पापा पक्ष के लोगों के साथ या माता पक्ष के लोगों के जैसे ही दिखाई देते हैं। लुक हाउ प्रीति लुक सो मच लाइक हर आंट, जो प्रीति है वो अपनी चाची के जैसी दिखती है। मिंकू एंड टिंकू आर ट्विंस, मिंकू और टिंकू कैसे हैं, ट्विंस यानी जुड़वा हैं। दे लुक अलाइक, बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देते हैं। पीपल ऑफ्टन गेट कन्फ्यूज्ड व्हेन दे सी देम, लोग क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दोनों को जब एक साथ देखा जाए तो डिफरेंस नहीं बता पाते कौन कैसा दिख रहा है। इट इज नॉट ईजी टू टेल हु इज हू, यानी यह बिल्कुल आसान नहीं होता है कि कौन किस कौन कौन है और कौन कौन है। दे वर बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम पेरेंट्स, वे एक ही माता पिता के अंदर एक ही समय से पैदा हुए होते हैं, तो ऐसे होते हैं जुड़वा भाई बहन। न्यू मेंबर इन द फैमिली, नए जो मेंबर होते हैं फैमिली के अंदर वो कब ऐड होते हैं, देखिए। अडॉप्टेशन मींस टेकिंग केयर ऑफ एन ऑर्फन हु हैज लॉस्ट हिज हर पेरेंट, जो अडॉप्टेशन है यानी गोद लेने का मतलब है टेकिंग केयर, देखभाल करना, एन ऑर्फन अनाथ बच्चों की, हु हैज लॉस्ट हिज या हर पेरेंट, जिनके माता पिता खो चुके हैं उन बच्चों की देखभाल करना। The pupil who adopt the child are called his foster parents, ऐसे लोग जो बच्चों को गोद लेते हैं वो कौन से पेरेंट्स कहलाते हैं, foster parents कहलाते हैं। The child who is taken care of, बच्चे भी उनकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, is called the adopted child, वो गोद लिए हुए बच्चे कहलाते हैं। यानी अब आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, तो आप अपने घर पर इसकी रीडिंग करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।